ऑलराइट जी, सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज दिस वीडियो च असीं गल करन जा रहे हैं अबाउट TR2PR प्रोग्राम, जिहड़ा कि लास्ट ईयर मई दे विच लॉन्च होया सी। एंड इस प्रोग्राम दे राही अबाउट 90,000 टैंपरेरी रेजिडेंट्स नूं PR दित्ती गई सी कैनेडा दे विच। एंड आई वाज़ वन ऑफ दोज 90,000 पीपल जिहड़े कि उस टाइम ते कैनेडा विच PR होए सीगे। सो जदों इस स्ट्रीम आई सी, इस स्ट्रीम ने एक नवीं हिस्ट्री क्रिएट करके रख दी सी कनेडियन इमीग्रेशन दे विच, क्योंकि इस तो पहला कदे इन्ना ईजी प्रोग्राम आया ही नहीं जिहदे विच लोकां नूं PR मिल सके। एंड ये प्रोग्राम जदों लॉन्च होया सी उस तो एक दो हफ्ते बाद ही इस स्ट्रीम बंद हो गई सी, क्योंकि ये जिहड़ी 90,000 की कपैसिटी सी वो फुल हो चुकी सी। सो उस स्ट्रीम बंद तो होने तो बाद भी हर एक बंदे की, हर एक टैंपरेरी रेजिडेंट की, जो स्टूडेंट आया वर्क परमिट पर आ, उन्होंने नज़र इसी स्ट्रीम से भी स्ट्रीम दोबारा कदों खुलेगी, दोबारा कदों खुलेगी। एंड रिसेंटली सानू कुछ इमीग्रेशन तो अपडेट्स मिले जिद कि सानू पता चलता भी इस साल शायद इस स्ट्रीम दोबारा खुलने वाली आ। एंड आप इस वीडियो हुई अपडेट्स के बारे गल करेंगे, एंड होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आर वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो जी, कनेडियन इमीग्रेशन हर साल कुछ टारगेट सैट कर दी है भी इस साल आपको किन्ने लाख टैंपरेरी रेजिडेंट्स को PR देनी है। एंड इस साल भी उन्होंने गोल है कई लाख बंदे को PR देने का। एंड दैन फर्दर डिस्कस करते हैं भी किस कैटेगरी पर आप फोकस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी एक्सप्रेस एंट्री या फिर PNP प्रोग्राम जो तो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स होंगे, या फिर वन टाइम प्रोग्राम्स लाइक TR2PR, ठीक है, स्पेशल प्रोग्राम्स होंगे। हूँ इस वे जिस वे मतलब ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ थी TR2PR, गवर्नमेंट ने गल क्लीयर की थी, कोई स्टैंडर्ड प्रोग्राम नहीं है जरा हर दो महीने पिछों चार महीने पिछों खुलेगा, इट वॉज़ ए वन टाइम थिंग। बट हम इकोनमी वाल देखते हुए कि 6.8% इन्फलेशन रेट चल रहा कैनेडा का, एंड स्टॉक मार्केट क्रैश हो रहा है, हूँ जरा बैंक ऑफ कैनेडा उन्होंने अपने अपने मतलब इंटरस्ट रेट बढ़ा दते हैं मोर्गेजिस से, तो यह सारी चीज़ों देखते हो लगता पाया भी इकोनमी सही डायरेक्शन में नहीं जा रही है। हूँ इदा के टाइम के एक कंट्री जिन्हें वर्किंग क्लास इकोनमी है, यानी बंदे काम पर जाते हैं तो उन्होंने कंट्री चलती है। इस कंट्री के कोई तेल के कुएं नहीं है भी, इन्होंने कोई परवाह नहीं इमीग्रेंट्स की। सो एक कंट्री काफ़ी हद तक डिपेंड करती है इमीग्रेंट्स से। इस चीज़ों देखते हुए इस साल उन्होंने अनाउंस किया भी एक स्पैशल स्ट्रीम खोली जाएगी जिहड़ी कि सिमिलर होगी TR2PR, बट नॉट एग्जैक्टली एज TR2PR। सो बिफोर कंटिन्यूइंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू गिव शाउट आउट टू पेबल, विच इज ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिथे तुम जाकर ओवर 14 डिफरेंट लैंग्वेजेस सीख सकते हो, इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड फ्रेंच। नो आई नो लॉट ऑफ माई व्यूअर्स आर प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा, एंड दे विल मोस्ट लाइकली हैव टू पास एन इंग्लिश और अ फ्रेंच लैंगुएज एग्जाम। सो डेफिनेटली पेबल हेल्प आउट कर सकता है। इतने तुम्हें ना सिर्फ स्पीकिंग बट लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग, वोकैबलरी, वर्ब्स, सारा कुछ तुम्हें इतने सीखने को मिल जाता, जेडे कि ऑफर किया जाता बाय रियल लाइफ लैंगुएज लर्निंग एक्सपर्ट्स। ठीक है, उन्होंने वालों इतने ऑफर की जाए शॉर्ट वीडियोज़ जिड़े कि थोड़े बिजी स्कैड्यूल में तुम देख सकते हो, एंड यू कैन कीप अप विद योर लैंगुएज लर्निंग जर्नी। एंड तुम्हें इतने मिल जाते हैं पॉडकास्ट सुनने का, लाइव क्लासेस भी मिल जाते हैं जिड़े कि तुम ज्वाइन कर सकते हो टू कीप अप विद योर लैंगुएज लर्निंग पेस। तो यहाँ जो प्लेटफॉर्म का लिंक है थोड़े डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, हम तुम यूज़ करोगे तो तुम्हें एक स्पैशल डिस्काउंट मिलेगा विच इज़ 30% ऑफ फॉर योर 6 month, 12 month और लाइफ टाइम एक्सेस टू पेबल। एंड आई पर्सनली चूज पेबल टू प्रॉब्ली try learning French, क्योंकि being bilingual in Canada not only helps you to easily settle down in any Canadian province but also pays you more at your workplace, which means अगर तुम्हें इंग्लिश तो फ्रेंच दोनों आदि हैं तो तुम्हारी वैल्यू कैनेडा में बहुत ज़्यादा आती है। सो तुम्हें डेफिनेटली बहुत फायदा रहता है इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू कैनेडा, एंड यू कैन डेफिनेटली अचीव योर पर्सनल गोल्स बाय यूजिंग बैबल इफ इट्स वैदर एनी अदर लैंगुएज लाइक स्पैनिश। तुम्हें भी इतने सारिया मिल जाएंगी चीज़ें, एंड तुम्हें कॉन्टीन्यूस सपोर्ट मिलती है इस प्लेटफॉर्म की। सो नाओ लैट्स गैट बैक टू द वीडियो। TR2PR रिक्वायरमेंट तो मैं पहले दस दिना, IELTS की सी आई थिंक 6 ईच होना चाहिए, ठीक है जी, 6 ईच IELTS की रिक्वायरमेंट हो, एंड उस तो बाद तुसी एम्पलॉयड हो, वर्क एक्सपीरियंस वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए सी, किसी भी जॉब एम्पलॉयड हो, ठीक है जी, थोड़ी IELTS क्लीयर हुई होवे, तुसी कनेडियन कॉलेज या यूनिवर्सिटी कह लिए कनेडियन इंस्टीट्यूट तो पढ़ाई की होवे, एंड दैट्स इट, इट वॉज वेरी ईजी। हर एक बंदा जो स्टडी वीजा से इतने आता वो को मोस्ट लाइकली सारी चीज़ें डन होंगे। कई बंदे ने हाले नहीं IELTS दी होंगी, कई ने देनी होंगी, इस करके कई बंदे पिछली बार रह गए थे, बट ये काफ़ी सिंपल जी रिक्वायरमेंट्स जी लास्ट टाइम दी गई सी। एंड उस टाइम अपने को सी कुछ सब कैटेगरीज भी TR2PR जिमें कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, या फिर हेल्थ केयर वर्कर, या फिर असेंशियल वर्कर, या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो जी आज की रिक्वायरमेंट है 6 बैंड चाहिए या 6.5 या जो भी है, वो सारी सब कैटेगरी के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स। बट इस साल के एग्जैक्ट की रिक्वायरमेंट होगी IELTS की या फिर वर्क एक्सपीरियंस मंगया जाएगा नहीं जाएगा वो तुम्हें पता चलेगा एग्जैक्टली September 8th, बट एक नवी स्ट्रीम आ रही है उस चीज़ की गरंटी अपने हो गई है। एंड उस तो अलावा मैं गल करा इस साल जो मेजर चेंज है सैप्टेंबर के, उस तो अलावा वो है जी नॉक कोड्स का। हूँ तक आप नॉक कोड्स फॉलो करते थे OABCD, जिस हिसाब से डिसाइड होंगे कि साड़ी जॉब की किन्नी वैल्यू कनेडियन मार्केट में, कनेडियन इमीग्रेशन या फिर सानू किन्नी हेल्प करेगी परमानेंट रेजिडेंसी की फाइल लगाने, ठीक है जी। बट हूँ नॉक आउट हटा के टीयर लैवल आ जाएंगे,
1, 2, 3, 4, 5 आई थिंक स्टार्ट फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 तो ये उत्ते मैं सैपरेट वीडियो बनाई सी तुसी जाके चैक कर सकते हो कि टीयर लैवल की होंगे ताकि तुम्हें पता लग जाए भी अगर अभी जॉब NOC बी या ए जो भी वेद आती है कल टीयर लैवल किन्ने जा रही होगी स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 सैप्टेंबर क्योंकि उही टाइम है जो नवी स्ट्रीम अनाउंस की जाएगी सैप्टेंबर 8 नू और दसा जाएगा भी एग्जैक्टली की रिक्वायरमेंट्स या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होने एंड कि बंद एलीजिबल होंगे एंड आई बिलीव उस तो कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद ही स्ट्रीम खोल दी जाएगी सो यही मैं एक अपडेट तुम्हें शेयर करना चाहता सी जो बंद पिछली बार रह गए थे या फिर वो रिसेंटली ग्रैजुएट होया एंड वेट कर रहे थे किसी स्ट्रीम का नहीं चाहते भी आप कितने होर मूव होइए या जिदा भी है सो इस चीज़ में जरूर नज़र रख सकते हो तुम इमीग्रेसन न्यूज़ फॉलो कर सकते हो उन्होंने ट्विटर हैंडल पर जाके भी तो तुम खुद को अपडेटेड रख सकते हो क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी काफ़ी वधिया होने वाली है रीसेंट ग्रैजुएट्स लिए या फिर वो बंदे लिए जो वर्क परमिट खत्म होने वाला है क्योंकि ये दो बंदे जो थोड़े जे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे या इन टर्म्स ऑफ जिन्हें वीज़ा खत्म होने वाला या फिर जो हमने हमने कॉलेज चो निकले उन्होंने कोई आइडिया नहीं आप अगे की करिए कि करिए सो उन्होंने काफ़ी वधिया अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि तुम कि फिगर आउट करो मतलब तुम इस स्ट्रीम के फाइल कर दो एंड होपफुली PR हो जाओ तो बस ही हाई मेरी एक वीडियो से मैं तुम्हें इन्हें शेयर करना चाहता था चंगी लगी हो कर दो लाइक शेयर सबसक्राइब जो दिल करे तो मिलते हैं आप अगली किसी वीडियो तद तक लिए चंगा।